दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बिल्ड स्किल प्रो की तरफ से आए हुए इस पेंट स्प्रेयर को। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है एक तरह का पेंट स्प्रेयर है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कुछ भी पेंट करने के लिए। लाइक अगर आपके अपने घर के विंडोज को पेंट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, चेयर्स पेंट करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो, दरवाजे हो, खिड़कियां हो, कुछ भी एक तरह का ये होम टूल यूज है। ठीक है, आपके घर के सभी चीजों को ये पेंट करेगा और आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। यूज करना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आराम से यूज कर सकते हो और इसका प्राइस है वो काफी नॉर्मल प्राइस है। आप इसको आराम से परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से या फिर इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है buildskill.com, यहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। तो फाइनली मैंने इसको परचेज कर लिया है, मेरे होम पे डिलीवर हो चुका है। तो आज मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको क्लीनिंग करनी है, कैसे क्या करना है। ठीक है, और इसको इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन से सेफ्टी टिप्स आपको यूज करने ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नई वीडियोस होंगी उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एक नाइफ लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से कट करने के बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पैकिंग इसकी काफी अच्छी तरीके से की हुई है। ठीक है, पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म वगैरह लगाए हुए ताकि ये प्रोडक्ट कहीं से डैमेज नहीं हो। तो मैं इसके जो भी इसके पैकिंग से इसको मैं निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक तरह का कप मिलता है। ठीक है, और इस कप में आप क्या कर सकते हो, ये इससे आपको करना क्या है, पेंट को फिल्टर करना है। कभी कभी क्या होता है कि पेंट ज्यादा पुराना होता है तो वो पेंट क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, तो मैं इसको साइड में रखता हूँ, मैं इसको आपको अच्छे से दिखाता हूँ। इसमें एक तरह का ये कीप है। ठीक है, इसमें आपको होल मिल जाता है यहाँ से। तो कभी कभी पेंट जम जाता है तो आपको इसमें पेंट को डालना है और ये क्या करेगा, पेंट को फिल्टर कर देगा। ठीक है, एटलीस्ट इसकी जो जो आप देख सकते हो डाया है, यानी कि ज्यादा अगर पेंट अगर जम गया हुआ है तो वो यहाँ से फिल्टर नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आप पेंट परचेज करके लाते हो तो यूज करने से पहले आपको क्या करना है, इसका यूज करना है पेंट को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो मैं निकालता हूँ, थोड़ा ये पैकिंग अच्छे से करी हुई है। तो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट होता है ये देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं इसका हेड है। ठीक है, ये पूरी आपको असेंबली करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, आपको नोजल मिलता है, आगे में नोजल लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रिप है जो आपके पेंट के अंदर डिप रहेगा। ठीक, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है, ये इससे हम कंट्रोल करेंगे कि हमारा जो पेंट का जो फ्लो है वो कितना होना चाहिए, कितनी स्पीड से आपको पेंट को बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा आपका हेड है। ठीक, इसको भी मैं थोड़ा साइड में रख देता हूं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो आपको एक यहां पे मिल जाता है बीकर। ठीक है, इस बीकर की जो लेंथ है, कम से कम इसके अंदर आप 800 ml पेंट आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पेंट और प्लस में तारपीन का ऑयल, ठीक है, दोनों का मिक्सचर आपको इसके अंदर डालना है। ठीक है, 800 ml आप इसमें पेंट डाल सकते हो और 100 से 150 ml तारपीन का ऑयल आपको डालना है। मतलब इतना डालना है ताकि आपका जो पेंट हो वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, ज्यादा गाढ़ा ना रहे। ठीक है, और इसको ऐसे डिप करना है। डिप करने के बाद आपको इसको क्या करना है, टाइट कर लेना है। ठीक है, तो आपको इसको पेंट और तारपीन ऑयल को मिक्स करके इसके अंदर डालना है। ठीक, उसके बाद यहां पर आप देखो ये पूरा जो हो, ये आपको पूरी ये मशीन किट है। ठीक है, इसके अंदर इसकी मोटर वगैरह भी है। ये है पूरा, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मॉडल नंबर है BPSC 2100। ठीक है, BPS 2100। ठीक है, 750 वाट के इसका मोटर है और ये काफी वेट भी इसका ज्यादा नॉर्मल है। ठीक है, जैसा नहीं कि ज्यादा हाई वेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक, बिल्ड स्किल प्रो की तरफ से काफी अच्छा यहाँ पे इसका लोगो लगा हुआ है और इसका वेट भी काफी, ऐसा नहीं हल्का भी नहीं है और प्लास्टिक भी इसकी काफी टफ है। ठीक है, और ये इसकी वायर है, इसको आपको यूज करना है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके अंदर एक यूजर मैनुअल। ठीक है, इसके अंदर पूरा आपको बताया हुआ है कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसकी क्लीनिंग करनी है, वो सारा कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो इस बॉक्स को मैं करता हूँ साइड में, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ, सारी पैकिंग बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार मैं दोबारा से यूज करके आपको बताता हूँ कैसे क्या यूज करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें आपको पेंट डालना है। पेंट डालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, फिल्टर है एक तरह का, ताकि जाम जो पेंट होता है वो आपका फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर करने के बाद आप इसमें 100 से 150 ml तक का तारपीन का ऑयल डाल सकते हो। अगर आप 400-500 ml अगर आपका पेंट है तो 100 से 150 ml नॉर्मल रहेगा। ठीक है,
उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें लगाने से पहले आपको इसमें असेंबल करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आइकन बना हुआ है, अगर आप इस तरफ रोटेट करते हो इसको लगाने के बाद तो इस साइड से ये लॉक हो जाएगा, और इधर से भी आप देख सकते हो यहाँ पे लॉक अनलॉक दोनों साइड से यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। रखने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से इसको जो आपका यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है ऐसे रखना है, और इसको हल्का सा रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पूरा इसमें फिट हो चुका है, ठीक है। ये पूरी गन हमारी तैयार हो गई है जो पेंट स्प्रेयर की है, और ये जो पेंट का जो मिक्सचर होगा इसको आपको सिंपल इसमें ऐसे टाइट कर लेना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका तैयार हो जाता है इस तरीके से बंद करके, ठीक। और ये आपकी वायर है, इसको आपको क्या करना है, पावर प्लग में आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। और इसमें एक चीज और मिलती है, वो है यहाँ पे यूजर मैनुअल, और इसके अंदर होता है आपका एक तरह का पिन, ठीक है। इस पिन को मैं निकाल देता हूँ, आप लोग देखते होंगे मोबाइल वगैरह में जो एग्जॉस्ट करते हैं सिम, उसके लिए ऐसा कुछ सिंबल होता है, ठीक है। अब इस पिन का क्या यूज है, ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नोजल दिया हुआ है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, जैसा भी आप इसको यूज करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। अभी ये वर्टिकल में है, ये हॉरिजेंटल में, ठीक है। तो जब आप पेंट करते हो ना, तो अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप मान के चलो कहीं पर रुक गए या फिर किसी का कॉल वगैरह आ गया, यानी कि अगर आप 5-4 मिनट का डिले कर देते हो तो पेंट क्या होता है इसमें जाम हो जाता है, ठीक है, पेंट जाम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, इसको इस तरह से रोटेट करके ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये नोजल दिया हुआ है, इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। और ये जो आप होल देख रहे हो ना, इसमें आपको क्या करना है, एक दो बार इसको इस तरीके से साफ करना है, ठीक है, क्योंकि इसी में क्या होता है पेंट हमारा जाम हो जाता है, ठीक। और ये कॉपर का नोजल है, ठीक है, तो आपको थोड़ा आराम से यूज करना है, और इसको वापस से यूज करने के बाद आप इसको इस तरीके से इसमें लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे लगा के आपको इसको टाइट कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे एक तरह का जॉग व्हील दे रखा है, ठीक है, इसका कुछ यूज होगा, ठीक है, यूजर मैनुअल में जब आप पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है पेंट की फ्लो के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस माइनस का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, इस साइड में। और इसको जब भी आप पेंट स्प्रे को यूज करोगे तो यहाँ पे ये आपका एज अ ट्रिगर काम करता है, ठीक है, इससे क्या होगा आपका पेंट आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको अगर वर्टिकल में करना है तो वर्टिकल में रोटेट कर लोगे, और हॉरिजॉन्टल में करना है तो हॉरिजॉन्टल में यूज कर लोगे, इससे क्या होगा कि आपका जो पेंट का फ्लो है ये सेम उसी डायरेक्शन में काम करेगा जहां पे आपको पेंट करना है, ठीक है। तो वेट काफी हल्का है, और BPS 2100 इसका मॉडल नंबर है, वो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, और 230 से 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ये हमारे होम यूज में आराम से आ जाएगा। और मैक्सिमम जो इसका वाट है ये 750 वाट की मशीन है, ठीक है, तो काफी हल्का भी है, और इसका डिजाइन आप देख सकते हो, डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है ना, रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, तो काफी अच्छा लग रहा है, ये डिजाइन भी इसका अच्छा है, और वायर भी इसकी काफी अच्छी है, वायर भी इसका इजी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ आइटम्स आपको मिलते हैं, एक आपका कप फिल्टर मिलता है जिसमें हम पेंट को फिल्टर करते हैं, और ये आपको पेंट को साफ करने के लिए दिया जाता है, इसका जो नोजल है इसको आपको साफ करना है, ठीक है। और ओपन करने के लिए क्या करना है, जैसे आपको डिसम्बल करके रखना है तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको पीछे की तरफ रखना है, ठीक है, और यहाँ पे देखो साइन बना हुआ है अनलॉक का, तो इसको आपको पीछे की तरफ मूव करना है, और हल्का सा से रोटेट करके आप इसको डिसअसेंबल करके वापस से पैक करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा अनबॉक्सिंग मैंने आपको बता दिया है। अब क्या है, इसको यूज करते वक्त आपको कौन कौन से सेफ्टी टिप्स का इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों अब आप पूरी तरीके से समझ गए कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको असेंबल करना है, ठीक है। अब मैंने इसकी वायर को लगा दिया पावर प्लग के अंदर, और मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये स्टार्ट करेगा, तो कितना इसका आवाज होगा, कितना क्या वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो वायर मैंने लगा रखा है पावर प्लग के अंदर, और यहाँ पे आपको करना क्या, सिंपल आपको बस इस ट्रिगर को, ठीक है, ये आपका ट्रिगर है, इसको आपको दबाना है। तो मैं इसको दबाता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेट करता है, ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहा, नॉर्मल सा वाइब्रेट कर रहा है, और आगे में एयर का फ्लो हो रहा है, अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, तो आगे में एयर का फ्लो हो रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो हमारा पेंट है, इसको थोड़ा बंद हो जाने दे, इसके अंदर होगा क्या कि जो हमारा पेंट है, पेंट और तारपीन का जो मिक्सचर है वो हमारे एयर के मिक्सचर के साथ फ्लो होगा, यानी कि हवा के साथ हमारा पेंट निकलता है, और एज अ स्प्रे की तरह वो पेंट होता है, ठीक है। तो जब आप इसको यूज करोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने ग्लव्स पहन लेने हैं, ठीक है। ग्लव्स आपको इसलिए क्योंकि ग्लव्स पहनने से आपका ये होगा कि आपके हाथों वगैरह पे पेंट वगैरह नहीं लगेगा। दूसरा आपको अपने आईज पे चश्मा वगैरह पहन लेना है, ठीक है, क्योंकि जो पेंट निकलेगा वो आपका स्प्रे एयर के साथ निकलता है, तो पेंट क्या होता है वो हवा में भी उड़ता है,
तो पेंट आपकी आंखों में ना चला जाए, इसके लिए आपको आपको क्या करना है, आपको सनग्लासेस वगैरह कुछ ऐसा चश्मा वगैरह पहन लेना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको मास्क यूज करना है, ठीक है, क्योंकि जो पेंट निकलेगा वो एयर के साथ निकलता है तो हवा में वो घुल जाता है, ठीक है। तो पेंट आपके नाकों में ना जाए तो उसके लिए आपको मास्क यूज करना है, ठीक है। तो तीन चीजें आप यूज कर सकते हो, एक ग्लव्स आपको यूज करना है, दूसरा सनग्लासेस आप लगा सकते हो, और तीसरा आपको मास्क में यूज करना है, ठीक है, मास्क यूज करना है। तो ये तीन सेफ्टी आइटम्स है जिसको आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, सारा डिजाइन वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है, बेल्ट स्किल प्रो की तरफ से प्रोडक्ट आता है, और इसका जो प्राइस है वो आप नॉर्मल आपका 2200, 2300, 2400 के रेंज में आता है। आप इसको अमेजोन से यूज परचेज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, 2399 रुपए इसका प्राइस है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।